नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हेस्टिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी आटा, एक कटोरी मैदा, सूजी, सूजी की क्वांटिटी हमें कम लेनी है, धनिया बारीक कटा हुआ, अमचूर पाउडर, बटर, नमक, चीनी, हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई, अजवाइन, देसी घी सेकने के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें, आटा डालें, मैदा और आटे की क्वांटिटी बराबर लेनी है, सूजी, अजवाइन, मिर्च, चीनी, चीनी हमें एक चम्मच लेनी है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया डालेंगे, धनिया आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं, दो चम्मच घी डालेंगे, अब इसको आटा गूंथ कर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारा आटा गूंथ कर तैयार है, इस तरह का सॉफ्ट रखना है इसे, ज्यादा टाइट भी नहीं रखना। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। ढक दीजिए, पांच मिनट हो चुके, देखते हैं। अब एक बार दोबारा से इसको मथ लें, थोड़ा सा चिकना हाथ करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा डो बनकर तैयार है। डो गैस ऑन कर देते हैं, गर्म होने दें, तब तक हम पराठा बेलते हैं। एक लोई बना लें, इसको थोड़ा सा मैदा में डिप करेंगे इस तरह से। अब इसका पराठा बेल लेंगे, ये आकार में आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। ज्यादा पतला नहीं रखना पराठा, थोड़ा मोटा ही रखना है, पतला रखने से ये सख्त हो जाएगा। अब इस पे बटर फैलाएंगे, चाट मसाला फैलाएंगे, अब इसके पतले पतले लेयर काट लेते हैं। इस तरह से पूरे पराठे में काटिए,
मैं सोच रहा था कि आप बोलोगे कि मत बोलो, क्या क्या सोच रहे थे बता। गेलो। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करते जाइए। जहां पे बटर कम लग रहा है वहां पे थोड़ा और लगा दें। पूरे पराठे को फोल्ड कर लें। देखिए ये फोल्ड हो चुका। अब इसको थोड़ा सा मैदा में डिप करेंगे। अब दोनों हाथों से इसको इस तरह से लंबा करें। अब इस पे थोड़ा सा बटर लगाएं। अब एक साइड से फोल्ड करते जाएं। इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब इसको नीचे की साइड लगा के इसको दबा देंगे। हाथ से चपटा करें। अब इसका पराठा बेलेंगे। ये पराठा बिलकर तैयार है। आप इसको आकार में छोटा बड़ा रख सकते हैं। गैस मैंने पहले से ही ऑन किया हुआ था, तवा गरम हो चुका। थोड़ा सा तेल लगाएंगे, फैला दें पूरे पे। अब पराठा सिकने देंगे इसको। तब तक दूसरा पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए पराठा चेक कर लेते हैं। ये इस साइड से सिक चुका। अब थोड़ा घी लगा के इसको सेकेंगे। आंच फुल कर दें। देखिए हमारा पराठा सिकने लगा है। थोड़ा सा घी लगा के और सेकेंगे। हल्का सुनहरा होने तक सेकना है। तेज आंच पर ही सेकना है इसको, धीमी आंच पे नहीं सेकना, वरना ये ज्यादा करारा हो जाएगा और फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से इसको थोड़ा दबा दबा के सेकिए, जल्दी सिक जाएगा। जिससे देखिए ये पराठा हमारा सीकर तैयार है। प्लेट में निकाल लें। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को, बड़ों को, दोनों को ही पसंद आता है। चलिए अब गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे दही के साथ। लहसुन की चटनी, बटर, आप इस पे थोड़ा सा बटर रखें। मैंने बटर रख दिया। लहसुन की चटनी बना रखी है मैंने। अब आप इसे गर्मा गर्म खाएं और
लहसुन की चटनी के साथ इसका स्वाद और दुगना हो जाता है। चलिए आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।